गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस विल बी योर 14th लेक्चर. बेटा ये आपका 14th लेक्चर है. इसमें हम आपके एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो 6.5 में 6.4 में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था कि मोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को, ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है, इसमें हम डिविजन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, तो सबसे पहला तो है, जैसे कि मान लो डिवाइड्स के बेसिक देख लो. जैसे मान लो आपको दिया गया है कि 4p टू द पावर 4, इसको अगर हमने डिवाइड करना है, 4p टू द पावर 4, इसको अगर मान लो हमसे बोल दिया गया इसको डिवाइड करो 2p से. ठीक है, हमसे ऐसा बोल दिया गया कि इसको ऐसे डिवाइड करो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिंपली क्या करना है, 4p की पावर 4 लिख लेना है और नीचे 2p लिख देना है. ठीक, अब जो सेम है, ठीक है, जो वाला हिस्सा कट सकता है, जैसे कि ये पी है, सेम है. ठीक है, इस पे पी पे पावर कितनी है, 1 है. ठीक, और ये 2 कैंसिल हो सकता है. आपको बता, 2 और 4 नीचे लिखा हो तो 2 की टेबल में ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम. जो आपके कोएफिशिएंट है, सबसे पहले तो ये देख लो कि आपके कोएफिशिएंट क्या डिवाइड हो रहे हैं. अगर डिवाइड हो रहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो. ठीक, उसके बाद जो आपके वेरिएबल्स बचते हैं, तो वेरिएबल्स में देखो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो p है ये डिवाइड में है p की पावर 4 से. ठीक, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस p से इस 4 को कट कर दो, मतलब एक p इस 4 में से कम कर दो, तो यहां पे आ गया 3. या फिर अगर 1 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 1, अगेन वो भी 3 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. एक और एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो हमारा आ गया 5a7. ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है 5a2 से. ठीक है, ये हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया कि अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे. सिंपली न्यूमेरिकल का डिवीजन तो न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है. ठीक है, मतलब जो ये कोएफिशिएंट है ए स्क्वायर का और ए की पावर 7 का कोएफिशिएंट है, ये आपस में डिवाइड होंगे. उसके अलावा अगर आप देखो तो इसका ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और ये ए की पावर 7 है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. या फिर आप क्या कर सकते हो, 5a7 अपॉन 5a स्क्वायर, ऐसे लिखो सीधा सीधा, 5 से 5 कैंसिल और इसका 2 माइनस कर दो इसमें से, तो ये बचा 5. ठीक है, तो ये बचा आपका a की पावर 5. ठीक है, तो इसको डिवाइड करके अगर आप लिखोगे तो आंसर निकला a की पावर 5. इसको डिवाइड करके हमने लिखा तो इसमें आंसर निकला p की पावर 3. ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपके बुक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे चलो ये तो था जब हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया. मान लो जैसे आप लोगों को याद हो कि अगर हमसे बोला जाता था कि 5 प्लस 7 को मान लो 5 प्लस, या ऐसे मान लो 5x प्लस 7y, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से. ऐसे मान लो, अभी डिवाइड नहीं करना, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा. बट मान लो कि हमसे बोला जाए कि इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 2 से, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ऐसे ही तो कुछ हुआ कि 5x प्लस 7y अपॉन 2 होल 2, है ना, ये डिवाइडेड बाय 2 जब पूरे को है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, 2 इस पूरे को डिवाइड करेगा, है ना, ऐसा करके कुछ हुआ. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, 5x के अपॉन में भी 2 लिख सकते हैं प्लस 7y के अपॉन में भी 2 लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं, होगी ना. हम ऐसे ही तो करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इनको कॉमन बना देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. अब हम रिवर्स करें इसको तो हम 2 को दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, ये जो हमारा 2 एक दोनों को डिवाइड कर रहा था तो अभी वो अलग अलग भी डिवाइड करेगा ही, एक ही बात होगी. मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, अगर डिवाइड कॉमन वैल्यू से हो रहा है तो वो कॉमन वैल्यू दोनों को पर्टिकुलरली डिवाइड अलग अलग करेगी. ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है, सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी. अगर हमारा बाइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से या फिर ट्राइनोमियल को, ठीक है, अगर यही पे मान लो यहां पे होता 4a, इसमें प्लस 4a और कर दिया तो यहां पे प्लस 4a हो जाता,
अपॉन में, और अगर हम डिवाइड करते तो यहाँ पे प्लस 4a अपॉन 2a हो जाता। ठीक है, मतलब अगर हम बाइनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं या ट्राइनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं एक सिंगल वैल्यू से, मोनोमियल से, तो कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे और जो निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है एक्चुअल में डिविजन का। अब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहले पार्ट करेंगे, फिफ्थ वाला। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो कर सकते हो, चलो फोर्थ वाला भी देख लो। जैसे फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या दिया गया हमें, फोर्थ में हमें बोला गया है कि 66 PQ square R cube डिवाइडेड बाय 11 QR square। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमको क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। देखो हम क्या लिखेंगे, इसको अपॉन में लिख लेंगे, तो ये 66 PQ square R cube आया, या इसको हमें सिंपल इसके नीचे लिख देंगे ऐसे करके, तो 11 QR square। ठीक है, अब जो हमारा कोएफिशिएंट है क्यू आर स्क्वायर का और पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब का, इनको हम अलग डिवाइड कर लेंगे और इस वाली वेरिएबल को हम अलग डिवाइड कर लेंगे, तो 11 से ये कटा 6 हो गया। ठीक, अब बेस सेम क्यू है, क्यू ऊपर भी है क्यू नीचे भी है। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा, एक नीचे एक क्यू है ऊपर दो क्यू है, क्योंकि क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर का मतलब दो क्यू, तो एक क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू बनना बचा। ठीक है, अब नीचे है आर स्क्वायर और ऊपर है आर क्यूब, तो नीचे से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे से माइनस हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो कि ऊपर 3R है नीचे 2R है, तो क्या होगा, ये वाले R कैंसिल हो गए, यहां पे 1 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 6 बचा एक तो। ठीक है, पी तो पी के साथ तो कुछ हो ही नहीं, पी क्यूब, क्यूब के पावर 1 है तो नहीं हम लगाएंगे ही नहीं, उसके बाद फिर आर पे भी पावर 1 है तो उसको भी हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया जब हमने डिवाइड किया इस वैल्यू को इस वैल्यू से। ठीक है, तो हमारा ऐसे करके आंसर आ गया, समझ में आया। अभी इसके बाद फिर क्या है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये तो तब था जब हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, अब मान लो हमने डिवाइड करना है पॉलीनोमियल को, मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू से। ठीक है, ट्राइनोमियल है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है बेटा आपका, एथ, हमें एथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो क्या दिया गया है, 5z³ - 6z² + 7z / 2z। ठीक है, 2z से हमें इसको पूरे को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हमको क्या करना है, 5z³ - 6z² + 7z को हमें डिवाइड करना है, इस पूरी वैल्यू को हमें डिवाइड करना है 2z से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे, तो हमने अपॉन में लिखा मान लो, तो ये आ गया 5z³ - 6z² + 7z / 2z। ठीक, अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5z³ - 6z² + 7z। ठीक है, तो इसके अपॉन भी 2z आ गया, इसके अपॉन भी 2z आ गया, और इसके अपॉन भी 2z आ गया। ठीक है, अब देखो 5 और 2 तो कैंसिल होते नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम सिंपली z, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो हमारा 1z कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2z। अब 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, और ऊपर 2z है नीचे 1z है, तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1। 7 और 2 में कोई मतलब कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो 7 और 2 आपके ऐसे ही बचे रहेंगे, और z और z कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। तो हमारे पास क्या बचा, इसमें बचा आपके पास 5/2z² ठीक, माइनस इधर बचा आपके पास 3z के ऊपर कोई पावर नहीं, 3z। ठीक,
इधर बचा आपके पास प्लस 7/2। आंसर समझ में आया, इसमें बचा आपका 7/2। तो कुछ ये आंसर आ जाएगा जब हमने इसको डिवाइड करेंगे 2z से, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस वाले लेक्चर में आपने डिवीजन सीखा मोनोमियल और ट्राइनोमियल का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में प्रैक्टिस शीट पे, प्रैक्टिस कॉपी पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, पूरा पूरा ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।